लड़का देखने जा रही हैं। क्यों, मेरा क्या होगा मकान मालकिन जी? हुँ? और आज आपके राशिफल में भी लिखा है घर से बाहर कदम मत निकालिएगा, अच्छा नहीं है। अच्छा तो अब आप ज्योतिषी भी बन गए, क्या फिर आपको डर लग रहा है कि कहीं ये रिश्ता पक्का हो गया तो बाहर जाइए, मुझे चेंज करना। मान लीजिए ना मेरी बात मकान मालकिन जी, मत जाइए ना। आप बाहर जा रहे हैं या नहीं? मेरी बात मान लीजिए ना। अच्छा मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हटो, जल्दी करो वरना बहुत भीड़ हो जाएगी वो। अरे क्यों ले रही है मेरी पर्स? शर्म नहीं आ रही है? देखो तो सही, मुई सबके सामने खुले आ मेरे पर्स में हार क्या डाल रही है। माँ ये रूल है, मेट्रो स्टेशन में भी यही होता है। ओ मम्मी क्या शोर मचा रही, नाटक मत कर, चलना अंदर। ये छोड़, क्या कर रही है? छोड़ छोड़, ये देख क्या कर रही है। चल चल उधर जा, आ जा आ जा आ जा आ जा। बहन जी देखो मेरे हाथ में तो कोई पर्स ही नहीं है। गुदगुदी कर रही है मुझे। हां भैया कर ले, मेरी चेकिंग कर ले, बिल्कुल खाली है हम, जैसा भगवान ने भेजा था ना बिल्कुल वैसा ही, बस कपड़े पहन लिए थोड़े से। हो गया साहब, पहन भी रही, चल ना। आजा 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 आजा, अपना ही होटल है। क्या चक्कर है यार ये, क्या हाय रब्बा, अरे कितनी अच्छी मूर्ति है। तो मम्मी कहीं पे भी शुरू हो जाती है क्या, होटल में तो रहने देना। एक्सक्यूज मी, कर रही हो तुम? डू यू हैव अ रिजर्वेशन? आपने रिजर्वेशन कराया था? नहीं तो बोलो ना, तत्काल में दे दे कुछ कुछ। वेल यू कैन बुक अ टेबल इफ यू वांट। ओ मैडम वो टेबल वेबल नहीं खरीदनी हमको, खाना खाना हमको, मिलना किससे? हमारा बंदा आया हुआ है पहले यहाँ पे। भाई साहब वो वही पूछ रही है, अगर आपका कोई बंदा है तो उसका नाम बताइए। हाँ तो बता देंगे, इसमें क्या है, समीर दीवान नाम है उसका। हेलो माय फैमिली, प्लीज इंदिरा जी आप वहां क्यों खड़ी, प्लीज कम। ये वो मंदिरा बेटा, टांगे दुख जाएगी ना, बैठ जाए इधर। बताइए आप सब क्या खाना पसंद करेंगे? मुझे ना एक आलू चाट मंगवा दो प्लीज। भाभी चाट नहीं मिलेगा यहाँ, सीधे चाटा मिलेगा। पैर नीचे रखे, मेरे लिए तो एक लार्ज मंगा दे भाई।
बेटा लाजी मैं करती हूँ आप। अरे आप रहने दीजिए ना, ये सारे काम करने के लिए ये लोग हैं, आप बैठ जाइए। अरे करने दो भाई साहब, मेरी मिसेज की सर्विस ना A1 है। मेरे दीजिए, आप लोगों को जो कुछ भी ऑर्डर करना है ऑर्डर कर लीजिए। बड़ी भारी अंग्रेजी में लिखा है, मेरे को आलू चाट मंगा दो प्लीज। हाँ तो पढ़ना जरूरी थोड़ी है, साइड में रख दे। एक काम कर भाई, सब लेडीज के लिए ना कोई वो चाट पकौड़े टाइप का प्रोग्राम गया, और ये इसके लिए आइसक्रीम गया, मेरे लिए तो नार्थ लिया। भाई साहब अगर वो ऑर्डर करना चाहते तो करने दीजिए। बेटा सारा ऑर्डर जल्दी ले आओ। मिस्टर समीर आप मुझसे बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बोलिए क्यों शादी करना चाहते हैं आप मुझसे? इंदिरा बहन ये भाई साहब, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूं। और रियली क्या आपको पता भी है कि मुझसे शादी करने का हिसाब किताब कितना होता है? मुझसे शादी करने के बाद मेरे परिवार को पालना भी पड़ेगा। पालेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल मंदिरा, उसकी कॉलेज की फीस, ईशान उसकी स्कूल की फीस, माँ उनका अस्थमा, भाभी उनके आने वाले बच्चे का खर्चा, और घर के कुछ राशन, भाई साहब उनकी हरकतों का खर्चा। मिस्टर सानी कुल मिलाकर कितना हुआ खर्चा? सर कितना भी काटेंगे 20,000 के हिसाब से 12 महीने का 2,40,000 तो हो ही जाए। यानी कि 2.5 लाख ऊपर से। जीजा जी, जी मेरा मतलब है कि आप लोगों का जो भी खर्चा है मैं उठाने के लिए तैयार हूं। आफ्टर ऑल अब आपका परिवार मेरे परिवार जैसा। वाह वाह मिस्टर समीर दीवान, मैंने घर लेने के बहुत सारे तरीके देखे लेकिन ये नया तरीका मैंने पहली बार देखा। जो इंसान एक टुकड़ा पिज्जा किसी को मुफ्त में नहीं दे सकता वो किसी और की फैमिली का खर्चा क्या उठाएगा? आप मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं या मन बुद्धि? इंदिरा समीर से बात कर जी। भाई साहब प्लीज आप मेरे मामलों में टांग मत अड़ाइए। रिश्ता मेरे लिए आया है तो मैं बात करूं और मैं ही इनसे सवाल करूंगी। तो कहिए मिस्टर समीर दीवान क्या जवाब है आपके पास? मैडम आप कुछ और लेना चाहेंगे? नो थैंक्स। मैडम एक बार देख तो लीजिए। मैंने कहा ना थैंक यू। मैम मीनू तो देखिए। ये क्या, मेरी कीमत सिर्फ 50 करोड़ रुपए? घटिया बिल्डर से यही उम्मीद की जा सकती है। मिस्टर समीर दीवान बड़े बड़े होटल्स में बैठकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करके आप बड़े आदमी बन जाएंगे। सॉरी उसके लिए ईमान होना बहुत जरूरी है।
आप यहाँ अपनी झूठी इज्जत करवा के इतना मत उड़िए। वो तो गनीमत समझिए कि चांदनी चौक की लड़की, इसलिए कुछ तो संस्कार है मुझ में जो यहां मैं आपसे तमीज से पेश आ रही हूं। वरना आप मेरी गली में मिले होते ना तो अब तक मेरे हाथों में चप्पल और आपके गालों पर निशान होते, समझे आप? Excuse me. Time क्या हुआ सर? Time क्या हुआ सर? 3 क्या देख रहे हो भाई, टाइम तो खराब शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक लेसन देता हूं, दोबारा मकान मालकिन जी के सामने आने की गलती मत करना, नहीं तो मुंह की खानी पड़ेगी जैसे अभी खाई है। चैलेंज था तो ऑब्वियस था, हार के ही जीतेगा। Take care and all the best, bro. एक मिनट, आर के कितना कच्चा खिलाड़ी है रे तू। गेम अब शुरू हुई और शुरू होने से पहले तूने सोच लिया कि तू जीत गया। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं चांदनी चौक में तो आऊंगा और वहां आकर शर्मा निवास को भी हासिल करूंगा। तू बस अपनी आंखें खुली रख, वेट एंड वॉच, गेम इज ऑन ब्रो। किराएदार जी नहीं, मिस्टर ऋषि कुमार भी नहीं। ऋषि, आज आज पहली बार आपने मुझे मेरे नाम से पुकारा है, जानती हैं क्यों? जिंदगी जंग है, हर मेरी कीमत सिर्फ 50 करोड़ रुपए। आईना है वही पर क्यों बेरंग है और कोई नहीं, तू ही तेरे संग है हौसलों पे तेरे दर्द भी दंग है। घर की खुशियां पली मैं
थैंक्स। आपने बड़ी स्मार्टली वो पेपर्स वेटर के हाथों मुझ तक पहुंचाए। ये तो सिर्फ आपके साथ रहने का नतीजा है। थोड़ा सा स्मार्ट हो गया मैं भी आपके साथ रहते रहते। और कुछ नहीं है मकान मालिक जी। आज हवा में कुछ अजीब सा है। आंखें जल रही हैं। मेरी भी आंखें जल रही हैं। पता नहीं क्या आंखों से पानी निकल रहा है। इसीलिए मैं आपको जाने नहीं देना चाहता था। मुझे पता था आपको चोट पहुंचेगी, दर्द होगा। आप कितनी फिक्र करते हैं मेरी और मेरे परिवार वाले। जरा सी भी फिक्र नहीं होने। मैं कितनी बदनसीब हूं ना ऋषि। किराएदार जी नहीं, मिस्टर ऋषि कुमार भी नहीं। ऋषि आज पहली बार आपने मुझे मेरे नाम से पुकारा है। जानती हैं क्यों? क्या क्या कहा आपने? कितनी बदनसीब हूं मैं। नहीं नहीं, उसके बाद ऋषि, किराएदार जी नहीं, मिस्टर ऋषि कुमार भी नहीं। ऋषि आज पहली बार आपने मुझे मेरे नाम से पुकारा है। जानती हैं क्यों? आप सच में नहीं जानती? क्या आप अभी मुझसे पूछना जरूरी समझती? मुझसे पूछ रही हैं या फिर मुझे सुनना चाहती है कि मुझे विदित भैया को फोन करना है। उन्होंने वापस फोन नहीं किया मुझे। पिछली बार आंसरिंग मशीन में मैंने लंबा चौड़ा मैसेज छोड़ा था। पता नहीं वो मैं फोन करने जा रही हूं। और अगर आज भी उन्होंने फोन नहीं उठाया तो?
तो मैं तब तक फोन करूंगी जब तक वो फोन नहीं उठाते, और अगर फिर भी नहीं फोन उठाया ना तो मैं सोच लूंगी कि उन्हें भी मेरी परवाह नहीं है।